करते हुए मनुष्य सबको देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हवा, काठ और पानी ये तीनों पारदर्शी है। दूसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी किसे कहेंगे? जिसे आर पार दिखाई नहीं दे, जिसे आर पार दिखाई नहीं दे। जैसे ये भूख है, ये भूख है, तो अगर हम भूख ऐसे लगती है तो आप हमको नहीं देख सकते, आप हमको नहीं देख सकते हैं, ना आपको हम देख सकते हैं। हमारे सामने पंखा है, हम इस पंखा को भी नहीं देख सकते। देखिए ये भूख है, अपारदर्शी है। इसलिए अपारदर्शी वस्तु में आर पार दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम नहीं देख सकते हैं। बुक यानी कागज, लकड़ी, पत्थर, लोहा, ये सभी अपारदर्शी है। बहुत सारा चीज है जो कि अपारदर्शी है। अपारदर्शी में क्या क्या हुआ? लोहा, लोहा, लकड़ी, कागज, कपड़ा, ईंट, पत्थर इत्यादि, ये सभी अपारदर्शी है, क्योंकि इसके आर पार हम नहीं देख सकते, इसलिए अपारदर्शी है। अपारदर्शी जिसे आर पार नहीं देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं, और जिसको आर पार देखा जा सकेगा उसे पारदर्शी कहते हैं। तीसरा है पारभाषक। पारभाषक, पारभाषक किसको कहेंगे? जिससे ऊपर धुंधला दिखाई दे, धुंधला, अस्पष्ट दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, लगेगा कि कोई चीज है लेकिन उसको हम स्पष्ट नहीं देख सकते, तो पारभाषक हुआ। जैसे घिसा हुआ कान, क्या इसमें होगा? घिसा हुआ कान, घिसा हुआ कान, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, थिन पेपर, थिन पेपर, ये सब क्या है? पारभाषक है। ये सब क्या है? पारभाषक है। इससे ऊपर के धुंधला दिखाई देगा, धुंधला, अस्पष्ट दिखाई नहीं देगा, इसलिए घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज और फिर देखो ये सभी पारभाषक है। तो इस तरह से हमने पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक के बारे में जानना। एक बार और हम लोग समझ ले कि पारदर्शी किसको कहते हैं, तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, हवा, पान, ये तीनों पारदर्शी, और भी होगा, ये पारदर्शी है, पारदर्शी। अपारदर्शी किसको कहेंगे? जिसके आर पार देखा नहीं जा सके, जैसे लोहा, लकड़ी, कागज, कपड़ा, ईंट, पत्थर इत्यादि, ये सभी अपारदर्शी है, क्योंकि इसके आर पार हमें दिखाई नहीं दे। तीसरा है पारभाषक।
उसको स्पष्ट हम नहीं देख सकते, तो ऐसे बना करते हैं परभाषक। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, दूध, दूध अपारदर्शी में आ जाए, दूध किसने आवेगा, अपारदर्शी, ये अपारदर्शी में दूध भी आए, क्योंकि अगर बर्तन में दूध हम रख दे और उसके नीचे कोई वस्तु रखे तो हमको दिखाई नहीं दे, तो दूध अपारदर्शी में आ जाए। तो इस तरह हमने पारदर्शी, अपारदर्शी और परभाषक के बारे में जाना। अगर इस संबंध में आप लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आई हो या इसे और बात समझने का अगर मन हो तो आप हमसे सागर इंफोटेक नारायण विवाह भवन के सामने रिंग बांध मथुरा स्कूल रोड में आकर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7745 तो इस तरह आज हमने प्रकाश के परावर्तक चैप्टर को आज समाप्त कर दिया।